हेलो अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए आपके भाई ने तकरीबन एक महीने इंतजार किया है। हम सारे जा रहे हैं तो वो बड़ा एक्साइटिंग और मजेदार सीन होने वाला है। चलें फिर निकले अभी निकले। हाँ हाँ अभी चलो। 50 सेकंड में लैप करना है। 50 सेकंड में बिग कंटेंट आज के व्लॉग का टाइटल है गाइस के मेरे सर पे बर्ड ने पिशी कर दी। अभी भाई हमने आपने थर्ड डे अफ्तारी मतलब क्यों बुलाया हमें अफ्तारी कह रहा हूँ ईद के खाने पे नहीं किया थी आप करना चाह रहे थे वो मैंने बताया था कल। हाँ वो तो हमने पहले ही सेस कर ली। अरे मैंने शुगर लगा रहा था वैसे और सीरियस थोड़ी क्या ये सीरियस ले गए खाने का नहीं तो है ही ये मकसद ये तो पता है उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक है इसे मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द डेली व्लॉग्स ऑफ अवियन। यार डेली व्लॉग्स चल रहे हैं आपको पता नहीं है। झूठ बोलो। एनीवेज बॉयज वो जोक्स असाइड जरा आपका भाई बिजी हो गया था। बार बार झूठ बोलो। दो चार दिन बिजी थे हम। ईद की मसरूफियत थी उसके बाद कुछ और मसरूफियत थी जिसमें आपको साथ रखना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था। तो मैंने सोचा कि यार एक दो दिन ब्रेक मैंने आपको कहा था मैं दो हफ्ते बाद तो ब्रेक लूंगा तो वो ब्रेक मैंने ले ली। अब आई एम बैक दोबारा से डेली व्लॉग्स करने की कोशिश करेंगे और आपको एंटरटेनिंग व्लॉग्स देने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। उससे पहले हमने जो है ना ये दो चीजें आपको दिखानी है। इसमें तो है जी सूट हमारे एक दोस्त की शादी आ रही है अली भाई की शादी है उसके लिए हमने सूट नहीं है ये सिलने के लिए देने हैं नजीर भाई को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेहंदी और बरात के सूट है। इसमें वलीमे का जो है वो अल्लाह खैर करे वो तो हमने खरीदा था। हमारा जो एक नाडो वाला दोस्त है आपको पता ही है उसका। खैर एनीवेज ये पैकेज है इसके लिए आपके भाई ने तकरीबन एक महीना इंतजार किया है। हमने ये अली बाबा से मंगवाया था। इसके अंदर छोटी छोटी तीन आइटम्स है वो आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। तो गाइस इसमें आ जाते हैं ये आपको अगर नजर आ रहा हो कुछ लोगों को जो ओन करते हैं गोप्रो शायद उनको समझ आ गई होगी। ये है जी गोप्रो का माउंट। इसके अंदर तीन सेक्शन कप आते हैं। बेसिकली जो गोप्रो की किट होती है ना माउंट्स की उसके अंदर एक सेक्शन कप वाला आता है। ये तीन सेक्शन कप है मतलब इसको मैं अगर गाड़ी के बाहर भी कहीं इंस्टॉल करूँ तो गोप्रो कहीं मेरा जाएगा नहीं। इसके साथ हमारा एक अदर माउंट होगा प्रॉब्ली जो कि इसके ऊपर यहाँ पे करके रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे रहेगा अच्छा ठीक है ओके वो समझ आ गया। लेकिन अलबत्ता सीन ये है कि इसको हम कहीं भी माउंट कर सकते हैं स्क्रीन के साथ या गाड़ी के मेरा ख्याल है फ्रेम के बॉडी के साथ भी कहीं ये हो सकता है एंगेज। इसके ऊपर गोप्रो आ जाएगा तो बड़े प्यारे शॉट्स लिए जा सकते हैं। ये दूसरा माउंट है हमारा। दूसरा माउंट ये किसकी है मोस्टली लोग गोप्रो नहीं अफोर्ड कर पाते तो पीओवी ड्राइव या फिर पीओवी वीडियो के लिए अक्सर गोप्रो आपने देखा होगा लोग यहाँ पे माउंट करते हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोज में यहाँ पे माउंट करके पीओवी वीडियोज बनाई है। अब ये जो है ये स्ट्रैप तो गोप्रो वाला है लेकिन इसके आगे एक अदद ये वाला माउंट मिल जाता है जिसको हम एक छोटा माउंट लग जाता है साथ इसके आगे ऐसे और आगे मोबाइल वाला माउंट है और यहाँ पे मोबाइल फोन आपका माउंट हो जाता है। अगर आपने पीओवी वीडियो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनानी है दोनों में ये काम आ जाएगा। अगर आपके पास गोप्रो नहीं है और आप पीओवी वाली वीडियो बनाना चाहते हो अपने मोबाइल फोन से जैसे मेरे पास आईफोन है आज ट्राई भी करेंगे ये लगा के लेट्स सी ये कितना कारामद साबित होता है। तो आप अपना मोबाइल फोन भी अब इसकी मदद से यहाँ पे लगा के तो पीओवी ड्राइव रिकॉर्ड कर सकते हो। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी पीओवी ड्राइव होती है आजकल आप देख रहे होगे अगर आप गाड़ी भगा रहे हो या ड्रिफ्ट कर रहे हो यहाँ पे माउंट कर लो ये वाला माउंट मंगवा लो ऑनलाइन मिल जाएगा ये वाला माउंट और बड़े इजीली आपको आपकी पीओवी ड्राइव्स रील्स भी बन जाएंगी और अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगी। जिनके पास गोप्रो नहीं है ना वो हजरात इस तरह से अपना कैमरा जो है ना अपने सर पे माउंट करके कर सकते हैं जो भी करना उन्होंने ठीक है। मेरे को नजर नहीं आ रहा यार सही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपस की बात है आज के दिन आपके भाई को क्राउन पे निकलना चाहिए था लेकिन खैर सिविक भी इतनी कुमाड़ी गाड़ी नहीं है। हमने असल में एक दो काम करने हैं। ये टेस्ट तो मैं कर ही रहा हूँ साथ ही साथ ना हमने एक दो काम भी करने हैं। जरा एक पीओवी ड्राइव छोटी सी बना के ना मैं एक बार देख लूँ कैसी और आप भी बताना यार। एक तो इसको पता नहीं क्या है यार इसको जब भी ऑन करो ये रेडियो पे चला जाता है। अब आपने मुझे बताना है कि यार मोबाइल फोन से पीओवी ड्राइव अच्छी बन रही है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मतलब बेटर देन गोप्रो या फिर वर्स देन गोप्रो ये आपने मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है। इतनी सी टेस्टिंग काफी है। एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ दोस्त से मिलके फिर आपसे गुफ्तगू करनी है कुछ चंद बातें करनी है जरूरी वो भी करते हैं और एक और माउंट है गोप्रो वाला वो भी लगे आते जो है ना वो टेस्ट कर लेना। हमने वो बैग में पड़ा पीछे तो वो भी निकाल के जो है ना टेस्टिंग करते हैं।
तो बॉयज हमने अपना जो हेड माउंट था वो तो ट्राई कर लिया, ठीक था, मुनासिब शॉट था मेरे लिहाज से। अगर एंगल बेहतर कर लें तो वो माउंट वर्थ इट है। अच्छा, अब आते हैं हम ये थ्री सेक्शन कप वाला जो है ना इस माउंट के ऊपर। मजे की बात पता क्या है, जो हमारे पास हेड माउंट आया है उसके साथ जो मोबाइल फोन माउंट है वो किसी भी मतलब इस माउंट के साथ भी इवन लग सकता है। वो गोप्रो के सारे माउंट के साथ एडजस्ट हो सकता है। जहाँ जहाँ हम गोप्रो इस्तेमाल करते थे मतलब मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, अब ये चीज है, अब इसको कैसे लगाना है। अच्छा, इसको पहले एडजस्ट कर लें फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, अपडेट ये है कि हमारा जो ये वाला माउंट है ये सेटअप हो गया। एक माउंट यहाँ पे लगना था, एक यहाँ पे लगना था, एक यहाँ, मतलब वो जरा कन्फ्यूजन थी। अब जो है ना इसके ऊपर गोप्रो लगाते हैं और ये थ्री सेक्शन कप माउंट जो है ना होपफुली अब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बाहर गाड़ी के जब आप लगाते हो तो अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हो यू विल फील टेरेबली और आपका नुकसान भी गोप्रो का होगा। लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे आईफोन भी लग सकता है, मतलब जो आईफोन के साथ माउंट है, लेकिन आईफोन वाला रिस्क नहीं लेंगे हम। डर गए, यो डर गए। ये क्या किया हुआ यार कमेने, ये कमेने क्या किया। पहले हमने टेस्ट करना है कि ये बॉडी पे चिपकते हैं नहीं, गलत जगह लगा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये पोर्ट्रेट में वीडियो बनाना है, लैंडस्केप में नहीं कैसे बनाना है। लैंडस्केप के लिए हमें एक और माउंट लगाना पड़ेगा। बस अब कहीं गिरे ना, मसला ये है गिर गया तो महंगा ही नुकसान हो रहा है। आज टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, अपडेट ये है कि गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और मुझे लग रहा है वो गाइस मेरे सर पे हुई वेट। बिग यार, बिग कॉन्टेंट आज के ब्लॉग का टाइटल है गाइस, के मेरे सर पे बर्ड ने पिशी कर दी। खैर चलो चले इसको टेस्ट करते हैं। मेन चीज जो हमने करनी है वो तो करें ना। सो बॉयज, सीन ये है कि हमने इसको भी टेस्ट कर लिया है। इसकी भी फुटेज जब हम व्लॉग में लगाएंगे तो आपने ये बताना है कि ये शॉट्स कैसे आएंगे। अच्छा, ये नमकीन शॉट जो है ना सिर्फ एक एंगल से अभी मैं देख रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ बेसिकली सक्शन कप कितना स्ट्रॉन्ग है। ये ना हो रस्ते में ये हमारा गोप्रो कहीं गिरा हो, हम जहाँ पे पहुंचे और हम शॉक हो जाएंगे यार हमारा गोप्रो किधर गया। बाकी सक्शन कप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये देखो एक हवा में है इस वक्त, दो सक्शन कप के बाहर सहारे जो है ना गोप्रो उड़ा हुआ था, एक सेक्शन का सही नहीं लगा। A few moments later. अब का सीन क्या है? सीन ये है कि बॉयज एक इवेंट आ रहा है इस्लामाबाद जिसकी प्रेपरेशन है। प्रेपरेशन उसमें इवेंट में आपका भाई पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा, लेकिन वो गेटवे कार होती है ना वो वाली कार हमारी ये वाली है। हम सारे जा रहे हैं तो वो बड़ा एक्साइटिंग और मजेदार सीन होने वाला है। सारे जाएंगे, इंजॉय करेंगे और वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। अभी जो है ना उस इवेंट की तैयारी है और उस इवेंट की तैयारी में हमारी जितने भी बॉयज गाड़ियां तैयार कर रहे हैं, अपनी जो छोटी डिंकियां आपको पता है वो भी तैयार हो रही है, रेडी हो रही है, सारे अपने अपने मसले जो है ना क्लियर करवा रहे हैं आपको पता है। और इवन जो बॉयज जो ड्रैग के लिए तैयार करवा रहे हैं गाड़ियां, यार दैट इज क्रेजी। लाहौर की माशाल्लाह इतनी गाड़ियां, कराची की इतनी है, इस्लामाबाद की इतनी, तो वो सारी ओवरऑल जो है ना वो बड़ी बिग और बड़ी मजेदार सी वाइब आ रही है। अभी से ही एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है भाई। मैं तो कहता हूँ मैजिक करके चलते हैं वर्कशॉप। चेक किया आपने, अंधेरा भी थोड़ा ज्यादा हो गया है और हम डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए। फुल ट्रैफिक। सो बॉयज, वर्कशॉप पे हम पहुंच चुके हैं और चेक करें यहाँ पे एक निकम्मी गाड़ी भी खड़ी है, उसके साथ एक और निकम्मी गाड़ी खड़ी है, आपको दिखाते हैं। ओए बड़े इलेक्ट्रिशियन बैठे हैं यार, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। उस्ताद नवीद क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं आप? शादीशुदा जिंदगी कैसी जा रही है इलियास भाई? इंजन खोलता फिर शेरा, इंजन खोल दे। नहीं बॉस। ओ यार इसका क्या कर रहे हो यार, इसको को आग शाग लगाओ, पेट्रोल निकाल के। दिल्ली में मेरी कोई जिंदगी नहीं है ना, मैं भी हिसाब लगा रहा था, ये किधर गया नट वाला, जा पूछ क्या। सुबह सीन ये कि ये जो गाड़ी आई थी ना बेचारी नट बोल्ट टाइट होने आई थी और इसका जो है ना कट्टा खुल गया। खैर एनीवेज, कैलिपर्स का इसका मसला था और ये भी रेडी है माशाल्लाह। मजे की बात आपको बताएं तो ये गाड़ी ऑटो क्रॉस लड़ रही है, मतलब ऑटो क्रॉस में ये पार्टिसिपेट कर रही है। पता नहीं क्या इतनी ऐसी गाड़ी कौन ऑटो क्रॉस में भगाता है यार। चलो सिविक की ग्रिप अच्छी है और वो समझ रहे हो, अपने बॉयज का स्पिरिट डाउन नहीं होना चाहिए। होप सर हाय। और हाँ, ये भी जा रहा है हमारे साथ सलीम साहब। लो जी, सलीम साहब विराजमान हो चुके हैं और सलीम साहब ड्राइव करेंगे और फिर हमें कहेंगे कोई मसला नहीं अभी भाई आपकी गाड़ी तो 10x10 है और फिर हम इस्लामाबाद चले जाएंगे। लेकिन एक काम है जो हमने करना है वो मैं बताता हूँ। सलीम कैमरे में हाथ खिला दे, कैमरे में देख के हाथ ला दे, नहीं इग्नोर सलीम, कैमरे में देख के हाथ ला दे सलीम यार। है ब्रेक चेक किया तूने, कितनी मजे की ब्रेक है, स्मूथ है, चेक कर कोई आवाज ही नहीं है ना। सलीम जिस तरह गाड़ी चेक कर रहा है शक की हो रहा है मुझे, ये जो मसला नहीं भी है ना वो भी निकाल देगा। अभी 2000 का पेट्रोल उड़ाया, उड़ जाएगा सारा। लाइटें ऑन कर ले यार जरा, मैंने महंगी वाली लाइटें लगवाई थी यार, क्या कर रहा।
A few inches later. So boys, we are back. हाँ जी भाई, सलीम साहब, okay गाड़ी? Okay जी. ठीक है, निकले फिर? हाँ जी निकले. चलो. ओ भाई, इसको कहाँ भगा रहे हो यार आप? ये खोता करोला किधर जाएगी यार आपकी? है 50 सेकंड में लैप करना है. 50 सेकंड में? हाँ यार, एक तो ये टोयोटा वाले पता नहीं क्या पागल हो गए हैं. यू नो, मैंने होंडा रजिस्टर ही नहीं कराई. मैंने कहा मेरे दोस्त को रहा के क्या फायदा यार. नट बोल्ट कसवाने आया था. नट बोल्ट ना लूज हो गए. हैंस प्रूव्ड, आपने सुरगेल भाई के पास नट बोल्ट चेक करवाने नहीं आना. K24, ये गाड़ी कौन सी है जरा बताएं सही. ये वो है जो मैं YouTube पे दिखाई थी पूरी, मैंने कि मैंने बना दी है. 6 महीने से ऑन रोड है भाई जान. ये है रस्टी, जो सुरगेल भाई ने खुद तैयार की थी 1.5 साल पहले से. रस्टी, ये रस्टी जो है ना सुरगेल भाई ने तैयार की थी. और माशाल्लाह जरा चेक करो, अपने फुल जोखम में आ गई ये गाड़ी. बॉस वो देखें, बॉस ट्रिप्टोनिक. वाह रे वाह रे वाह, गुड यार. इसकी जर्नी बड़ी कमाल थी, पूरी नहीं कर पाए सुरगेल भाई यार. वैसे उसका अफसोस है यार, किसी को दिखाना नहीं है ना. ऐसे लोग तेज गाड़ियां करके भगाते हैं, फिर ऐसे बजबूज गए, मरमुर गए. मेरा नाम आएगा. इंजन का प्रोसेस मैंने दिखाया था. हाँ, ये तो बताया नहीं है आपने कि आपने K24 इसके अंदर रखा, कैसे रखा, क्या किया. ये जो माउंट है ना, मैंने लिए थे माउंट इसके ना ओरिजिनल, लेकिन ये क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक करनी थी तो फिर मुझे सारे माउंट जो है ना कस्टम बनाने पड़े हैं. तो ये रिबॉन का माउंट है, प्लेट साथ बनी हुई है. पीछे जो माउंट है वो ओरिजिनल को काट के बनाया हुआ. ये प्लेट देख सकते हो, ये सारे मैंने खुद ही वेल्ड किए हुए हैं. ये वाला भी जो है कस्टम मेड, अगर इधर आके देखो ना, ये सारा कस्टम माउंट है. ये वाला तो मतलब माउंट्स सारे कस्टम मेड है. सारे कस्टम है. ये दो टेफ्लॉन के हैं और वो रबर और ऑयल कंपोजिट है, तो जरा वाइब्रेशन गाड़ी में इतनी नहीं होती. बैठ के देखो तो अंदाजा हो जाएगा. वैसे जो टेफ्लॉन माउंट्स वाली गाड़ियां होती है ना, वाइब्रेशन बहुत होती है. गुड यार. खैर यार, ये प्रोजेक्ट जो है माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. बाकी इस तरह के प्रोजेक्ट तो सारी ताहे आती चलते रहते हैं. कंप्लीट ही है, उसके बाद इंटीरियर के अंदर ही कुछ छोटे मोटे काम है, वो जब अल्लाह तौफीक दे. तो बॉयज, अपडेट ये है कि हम वर्कशॉप से जो है वो फ्री हो गए हैं. तैयारी जो है ना सारे बॉयज कर रहे हैं. उधर से जो हमारी छोटी कूपने हैं वो भी ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो सारे जो है ना रेडी हो रहे हैं. कल के लिए जो है ना हमने निकलना है, तो ये होपफुली आपको कल ही देखने को मिलेगा जो हम सफर तय करेंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद. बाकी बॉयज भी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं यहाँ से वर्कशॉप में. जो आपने देखी है, नाडो भी तैयारी कर रही है. नाडो इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दी इवेंट. और उसके अलावा हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया. हम जो है वो हम जा रहे हैं एज अ कैमरा मैन चांद नवाब, या फिर गेट अवे कार कह लो, या एमरजेंसी कार कह लो. तो ये है एक काम इस गाड़ी का रहता है, वो है बैलेंसिंग अलाइनमेंट. ये मैंने जब से गाड़ी ली है मैंने नहीं करवाई, तो सोच रहा हूँ वो साथ ही साथ जो है ना तो ये भी करवा लिया जाए. जरूरी काम है, लॉन्ग रूट पर जाना है तो जरा बंदे को चस आनी चाहिए. लेट्स गो टू उमर भाई. लो जी, वो गाड़ी लेके हम आ गए उमर भाई के पास. उमर भाई नीचे घुस गए हैं, ठीक करेंगे अलाइनमेंट और फिर निकलेंगे. उमर भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? ऑल गुड. अलाइनमेंट जरा चौकस ही कर दो, इस्लामाबाद जाते हुए डोले ना. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. सो बॉयज, अपडेट ये है कि अलाइनमेंट हमने करवा ली थी. बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, वो हमने चेक कर लिया था. मैंने गाड़ी दफा उगा के चेक की थी, तो बैलेंसिंग की गाड़ी में हाँ जरूरत नहीं थी. अलाइनमेंट की जरूरत थी, वो हमने करवा ली उमर भाई से. खैर एनीवेज, अभी की अपडेट ये है कि हमारे पास जो है ना ब्लू कूपन आई हुई है. ये बेचारे सुबह से खुआर हो रहे हैं, ये जाके कभी कुछ करवा रहे हैं कभी कुछ करवा रहे हैं. ये रेडी है, लेकिन जो हमारी काली वाली कूपन है ना, वो ब्लैक वाली कूपन आपको याद होगी, वो वाली जो वाइल्ड मॉलिक्यूल, उसमें जो है ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी. उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना अपग्रेड भी की हैं, वो आपको कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. अभी आप तुम लोग बताओ क्या सीन है यार, तैयारी पकड़ लिया फिर पूरी? तैयारी पकड़ी नहीं थी. चले फिर निकले अभी. हाँ अभी चलो. और काली कूपन है क्या बना? काली कूपन यार बस फाइनल टचेज हो रहे थे उसके. अच्छा. और वो और कह लो कैंडिडेट पर फ्री हो जाएगी, उसकी अलाइनमेंट वगैरह होनी, उसके बाद ओके गुड टू गो. हम अब कल काली कूपन साथ लेके जा रहे हैं. ये ब्लू वाली भी साथ जा रही है? ब्लू वाली नहीं, वो पहले पहुंच जाएगी. पहले पहुंच जाएगी, खुद ही जा रही है ये यार. हमने सुप्रीम कोर्ट साथ जा रहा है. असल में इसके अंदर ना 2JZ GT है, 700 व्हील्स पे है ये. तो ये जो है ना जाएगी लोड हो गया ना, तेल बहुत पी जाएगी. यार ये जो है ना तैयारियां सारी चल रही हैं. अभी हम भी निकलते हैं, हमने जाके सूट देने हैं दर्जी को, वो भी एक जरूरी काम है. यार अली की शादी के लिए यार. कौन सी रजिस्टर नहीं करवाई कि कहीं वो हार ना जाए यार. दोस्त है, बुरा लगता है उसको. फिर तुझे पता है ना भाई, उसने फ्रेश ब्रेक पैड डलवाए थे एक महीना पहले, आज फिर डलवाए हैं भाई उसके कहले पर ही हो गए. खैर यार, यहाँ से निकलते हैं और अपने बाकी के काम करते हैं. अस्सलामु अलैकुम नज़ीर भाई. वालेकुम अस्सलाम. नज़ीर भाई क्या हाल है? नज़ीर भाई दो सूट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सिर्फ दो सूट है, ठीक है. और आपने एक सूट मुझे जल्दी देना है, बैक वाला, वाइट वाला बेशक लेट कर देना, कब?
ठीक है, बेशक अगर दोनों सिल गए तो वेल एंड गुड, दोनों मिल जाएंगे बस ठीक है, बट डन है। चलो इसी तरह बना देना। अब ये देख लो कि पैन रखना है कि नहीं रखना है। पैन कोई बना हुआ पड़ा है? पैन वैसे ये कॉलर वाला ही है, कॉलर नहीं नहीं है वो डबल पैन, वो जो आपने कहा था मुझे, जो ईद पे आपने दिखानी थी ना, ले लगाई थी वो चाह रहा हूँ, वही लगती है मुझे। एक दफा बना हुआ दिखा दो, कपड़ा मैं देखना चाह रहा हूँ लगता कैसे है वो। अच्छा लगता है ये थोड़ा डिजाइन के साथ बनी हुई है ना, मगर वो पूरी पूरी होती है, वो सिंपल रहती है, मुझे नहीं लगती ये वैसे बुरा भी नहीं है। एक दफा फिर करके देख लेते हैं ठीक है, दोनों पे घुमपटी और अब भूल ना जाना, ईद पे आप भूल गए थे। कलर थोड़ा छोटा कर दे, ये नोक अच्छा लगता है खूबसूरत, या वही ठीक है इस तरह? वैसे आपने पहले सीए वो ठीक थे, बस ठीक है फिर, ठीक है चलो ओके खैर भैया अपना सूट वाला काम भी हो गया, अब जो है ना घर चलते हैं, बल्कि इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं, घर जाके एडिटिंग शेडिंग और भी मामला देखने हैं और कल की तैयारी भी करनी है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आप लोग चैनल का हिस्सा नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और इंस्टा पे आप भाई को फॉलो भी कर सकते हो। चले जी अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, बाय बाय।